नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हुई 1 अक्टूबर। देखिए, अक्टूबर का महीना आ गया है। देखते देखते कैसे 9 महीने बीत गए और अक्टूबर का महीना है। इस महीने में कई त्योहार भी हैं, दुर्गा पूजा है, दीपावली का त्यौहार भी इसी महीने में है, तो कई त्यौहार हैं, लेकिन ये महीना अपने आप में खास है। बिहार के लिए बहुत कुछ बदल रहा है। बिहार में हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, खबरों के सिलसिले की जब हम शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में अभी भी हाई अलर्ट जारी है। कोसी बराज से और गंडक बराज से जो पानी छोड़ा गया था, उससे कई जिलों में तबाही हुई है, नुकसान हुआ है, गांव के गांव डूब गए हैं, तटबंध टूटे हैं और गांव में पानी घुस गया है। सरकार कमेटी किचन चला रही है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इसे लेकर कल बहुत कुछ कहा है, वो आपको हम बताएंगे। इसके अलावा देखिए, दिलीप जायसवाल जो कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो रैयत है यानी कि जो जमीन मालिक है, जमीन सर्वे को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, वो भी समय बढ़ाने जा रहे हैं। उन लोगों को जो काफी चिंता में थे जमीन मालिक, उनके लिए खुशखबरी है। इस वीडियो में बने रहिएगा। आगे नीतीश कुमार का डंका बजा रहे हैं विदेशों में, सऊदी अरब में, यूएई में, दुबई में अशोक चौधरी। क्या वो कह रहे हैं, कैसे भूमिका बना रहे हैं, इस पर आपको खबर बताएंगे। इस पूरी खबर की जो विस्तार से कहानी है वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर की रैली होनी है कल 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड में। कैसी तैयारी है, 4500 लोग मंच पर बैठेंगे, कुछ यूं मंच बन रहा है, कुछ इतनी बड़ी व्यवस्था है पटना में। गांधी जयंती है कल, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार भी है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी, हम खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाढ़ को लेकर बिहार में अभी भी हाहाकार मचा हुआ। नेपाल से जो पानी आया, छोड़ा गया, वहां भी कुदरत का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। इससे काफी लोगों में डर है अभी भी और कई तटबंध टूटे हैं जिलों में। देखिए, निश्चित रूप से बिहार सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिहार में जो 12 जिले कह लीजिए और उसके कई निचले इलाके में जो बाढ़ से तबाही मची हुई है, उस तबाही में जान और माल की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, राज्य आपदा मोचन बल SDRF, ये दोनों टीम समान रूप से काम कर रही हैं और हर आदमी को जान और माल की सुरक्षा के लिए पूरी माने 24/7। इतना ही नहीं, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर कर्मचारी समेत तमाम लोग जो है सो तटबंधों पर नजर बनाए हुए हैं 24/7, 24 घंटा। कहीं से कोई तटबंध में थोड़ी सी भी हल्की सी भी रिसाव हो रही है, थोड़ा सा भी तटबंध पर दबाव बन रहा है पानी का, जो कि पानी में बहुत ज्यादा उफान है, तो इसके कारण जो है सो कहीं गांव प्रभावित ना हो, जितना हुआ है वो हुआ, उससे अधिक ना हो, इस पर भी जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार पैनी नजर बनाई हुई है। और खुद जो है सो विभाग के सेक्रेटरी जो है SES हैं, वह लगातार जो है सो इस पर नजर बनाए हुए, और मंत्री स्वयं विजय चौधरी इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो या और इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी हर जिले में जो प्रभावित अफेक्टेड एरिया है उस पर नजर बनाए हुआ है। और देखिए, कहीं कहीं पर रेलवे ट्रैक भी बाधित हुआ है, उस पर भी जो सो यातायात सुगम हो, पानी उतरे। और कहीं कहीं तो अब तो यह जानकारी मिल रही है कि कुछ इलाके में पानी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है, जो कि सुकून की बात है वैसे लोगों के। लेकिन उसी बात से जितना पानी छूटा था, निकला था वहां से, छोड़ा गया था, वो लगभग 6.5 लाख क्यूसेक टन पानी था, लेकिन अब वो घटकर 1,80,000 क्यूसेक टन पर आ गया है। बिल्कुल, तो वो देखिए, जल संसाधन विभाग की ओर से रिव्यू समीक्षा की जा रही है, वरिष्ठ अधिकारियों, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इन चीफ, तमाम जो से और बाढ़ नियंत्रण के लिए अलग से जो सेल बना हुआ है उस पर भी मॉनिटरिंग हो रही है। और देखिए, समीक्षा रिव्यू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार अलर्ट मोड में पूरी तरह से है और आम आवाम को हर तरह से, जो भी माने कम्युनिटी किचन की बात हो रही है, कम्युनिटी किचन चल रहा है, मवेशी लापरवाही कर रहे हैं सस्पेंड भी किया। हाँ हाँ बिल्कुल, तो कार्रवाई हुई है। और देखिए, कम्युनिटी किचन चल रहा है, मवेशियों के लिए भी हर तरह की दवाई उपलब्ध कराई जा रही है, चिकित्सक टीम भेजा जा रहा है। जानवर राहत वाली खबर है कि पूरे बिहार में बारिश नहीं हो रही होती। बिल्कुल, थोड़ा मौसम ने मिजाज बदला है, थोड़ा आकाश साफ, राहत मिल रही है। ऊपर से अब जो बारिश होती थी उससे, और एक तो नीचे से पानी, एक ऊपर से पानी, तो ये ज्यादा मुसीबत थोड़ी टली है। बिल्कुल, तो इससे लोगों में राहत है, थोड़ी वो सुकून की सांस ले रहे हैं। और विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने तो कल तमाम बातें रखी, बिल्कुल मीडिया के सामने आकर सभी बातें बताई हैं, सरकार कितने अलर्ट है, क्या कुछ काम कर रहे हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम पर। देखिए, पप्पू यादव भी इस पूरे
बाढ़ में, अभी हाल ही उनके पिता का श्राद्ध कर्म हुआ है, उनके पिता का निधन हो गया था पिछले महीने में, और श्राद्ध कर्म के तुरंत बाद आपने देखा कल कैसे दरभंगा पहुंचे थे, जहां तटबंध किनारे वो पहुंचे, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, राशन पानी और पैसा भी बांट रहे हैं सब में, 500 रुपया सब दे रहे हैं जरूरतमंद लोगों जरूरतमंद को, लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं कहीं तो जरूर 50,000 25,000 दे रहे हैं। हाँ देखिए जरूरतमंद लोगों के बीच पैसा बांटना और रोजमर्रे का जो राशन है वह भी उपलब्ध कराना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, ड्राई मिल्क उपलब्ध कराना, यह सब पप्पू यादव की तो अपनी पटना में जो 2019 में भी पटना हाँ बाढ़ हाँ में, हाँ वही तो उनकी अपनी एक अलग पहचान अलग है, हाँ नेता चुनाव में बांटते हैं, ये आपदा में बांटते बिल्कुल। हैं, और यही फर्क है। जीवन रक्षक दवाइयां भी पप्पू यादव की ओर से बांटा जा रहा है, वितरित किया जा रहा है, इसलिए यह तो सबसे पूर्णिया के बड़ी, सांसद चुन के आए, वो निर्दलीय है, बिल्कुल बिल्कुल काम ही कुछ ऐसा करते हैं कि दिल जीत लें, जन नेता कहीं भी जाते हैं, और उनकी एक अलग छवि है भी, रॉबिन हुड बिल्कुल। वाली छवि है। नहीं देखिए लोगों के बीच में उनकी एक अलग पहचान है, निश्चित रूप से वह बांटते हैं। और देखिए पप्पू यादव भी और कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, एक्सेप्ट प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को छोड़कर, जो गायब दिख रहे हैं बिल्कुल सदन में भी नहीं दिखे हैं, अब सड़क पर जब लोगों को उनकी जरूरत है वो भी नहीं दिख रहे हैं, इसे बिल्कुल लेकर नवल किशोर यादव जो कि बीजेपी के एमएलसी, उन्होंने खूब करारा हमला बोला है कल। अब बात सही भी है, विपक्ष नेता कहाँ गायब है, देखिए ना मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं, कहाँ है विपक्ष की भूमिका, क्या सच में यही होती है, देखिए आम निश्चित लोगों को रूप, समझना चाहिए देखिए और लोग देख भी रहे हैं। निश्चित रूप से यह सवाल है, और इसीलिए जो है सो सत्तारूढ़ दल कह लीजिए या एनडीए के नेता तमाम नवल किशोर यादव जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वह इन पर घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सही में इस दुख की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में जन नेता का काम होता है अपने लोगों के बीच में रहना और राहत सामग्री मुहैया कराना, नहीं राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं तो कम से कम जाइए उनका सुख दुख में तो कम से कम भागीदार तो बन सकते हैं, तो वह भी आप एब्सेंट हैं, वह भी गैर हाजिर हैं, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल बनता निंदा है। के पात्र हैं। चलिए जमीन सर्वे को लेकर भी, क्योंकि अब बिहार में बाढ़ है, जमीन दिख ही नहीं रहा है, जमीन सर्वे को लेकर भी लोगों में एक चिंता के विषय बना हुआ था, काफी चिंता थी लोगों को, लेकिन ऐसे में दिलीप जायसवाल ने राहत दी है, 3 महीने का समय बढ़ाया गया है, आगे और 3 महीने एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, 6 महीने का समय मिलेगा। देखिए निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल हैं और बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्यक्रम चल रहा है बिहार में, तो उसमें जो भूमि सर्वेक्षण है उसमें जो अभी 3 महीने का समय की बात उन्होंने कही थी कि 3 महीने में आप सारे रैयत जो भी भूमि भूस्वामी है अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें और ऑनलाइन या फिर हार्ड माने ऑफिस में आकर के हार्ड कॉपी जमा कर दें। तो ऐसे में जो बाढ़ से तबाही है 12-13 जिले प्रभावित हुए हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से वह समय 3 माह और रैयतों को देने पर वह विचार कर रहे हैं और ऐसी संभावना लग रही है बन रही है जो संकेत दिलीप जायसवाल ने दिए हैं कि 3 महीना और हम रैयतों को बढ़ा सकते हैं, टाइम एक्सटेंशन की बात हो रही है, 3 महीना और बढ़ाएंगे और हमको लगता है कि यह बेहतर सोच है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का और डिपार्टमेंट का कि जो है सो रैयतों को समय बढ़ाया जाए सो देट की सारा कागज पत्र वो जमा कर सके और निश्चिंत से अभी जो आपदा आई है उस आपदा का पहले सामना करें, फिर उसके बाद जो है सो आपदा कहने का मतलब कि बाढ़, तो वो एक अच्छी और बेहतर सोच विभाग की है, विभाग के है, और दिलीप जायसवाल जब ऐसा करेंगे तो लोगों को भी थोड़ी सहूलियत होगी। निश्चित रूप अभी से देखिए कई जिलों में तो बाढ़ का दंश है, तटबंध टूट जा रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, ऐसे में कहां से कागज 3 महीने में हो पाएगा, अभी निश्चित तो रूप उनको फिर से सेटल होने में समय लगेगा, त्योहार भी है, दीपावली है, छठ पूजा होगा बिहार का, तो कैसे होगा ये, इसीलिए देखिए इसीलिए मतलब एनडीए की सरकार जो है लोगों के दुख को समझ रही है। समझ रही है और इसीलिए दिलीप जायसवाल जो कंसर्न मिनिस्टर हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, इसीलिए उन्होंने सांकेतिक माने कह लीजिए, लेकिन सरकार तो अब देखिए वो सांकेतिक रूप से ही कहेंगे क्योंकि सरकार का जब निर्देश आदेश निकलेगा तो वह उसमें समय लगेगा, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि आप घबराइए मत, 3 महीना और हम रैयतों को के लिए और माने बढ़ा सकते हैं, मुद्दत बढ़ा सकते जो हैं, जमीन बिल्कुल मालिक है उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, यानी बिल्कुल 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। बिल्कुल देखिए एक तरफ जहां एनडीए की सरकार लोगों के लिए सोच रही है, कमेटी की चलन की बात हुई, वहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, एनडीए के नेतृत्वकर्ता बिहार के, उनका डंका आप विदेशों में बज रहा है, दुबई में भी उनके नाम की प्रशंसा खूब कर रहे हैं, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो नीतीश कुमार का डंका बजा रहे हैं, जाकर विदेश में किताब बांट रहे हैं सभी लोगों में, और बड़ा आयोजन जो हुआ था वहां भाषण उन्होंने दिया कि बदलता बिहार ये नीतीश कुमार की देन है। देखिए निश्चित रूप से जो अशोक चौधरी नीतीश कैबिनेट में बड़े और जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया अभी, हाँ राष्ट्रीय, तो वो इस लिहाज से वहां जो दुबई में जो इंडो अरब लीडर्स समिट अवार्ड जो दुबई में आयोजित था उसमें वह पिछले दिनों भाग लेने गए थे और वहां पर उन्होंने
बिहार के गांधी नीतीश कुमार की जो पुस्तक उन्होंने और उनकी बिटिया जो सांभवी हैं, सांसद हैं, जो समस्तीपुर सुरक्षित से जो लिखा है, उस किताब को आम आवाम को दे रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान बिहार में क्या बदलाव किया है और उससे पहले क्या बिहार था, वह सब सारी बात लिखा हुआ और बिहार के गांधी पुस्तक का ऊपर में मुख्य पृष्ठ पर ही लिखा हुआ है। तो वह जो है सो लोगों के बीच में दे रहे हैं और किसको दिया उन्होंने, पूर्व रेल मंत्री बड़े और कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश प्रभु, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार सानू समेत कई लोगों को दुबई में, तमाम जो उस तरीके के शेख लोग होते हैं जो बड़े बड़े जो ओहदे पर होते हैं, उन लोगों के बीच में वह एक किताब दे करके वह एक बांटा है। और निश्चित रूप से बदलते बिहार की तस्वीर को अशोक चौधरी ने दुबई में प्रस्तुत किया है, पेश किया है, अभिनेता का स्वाभिमान बढ़ाया है। निश्चित रूप से मेरा नेता मेरा अभिमान, अभिमान तो उनका स्लोगन ही है अशोक चौधरी का, उसमें कहां दिक्कत है। तो वो इस बात को उन्होंने वहां रखा है और मजबूती के साथ रखा है और उसमें क्या क्या बिहार ने अब तक क्या क्या किया है उस पर हर पॉइंट वाइज वो जो है सो उसको वहां पर उन्होंने पेश किया है आम आवाम के बीच में और दुबई की जनता को बताया है कि बदलता बिहार कैसा है, बदला हुआ बिहार कैसा है, पहले कैसा हुआ। तो यह बात स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। देखिए अशोक चौधरी विदेशों में भी जाकर नीतीश कुमार के नाम की प्रशंसा कर रहे हैं, डंका बजा रहे हैं और नीतीश कुमार के भी, खैर नीतीश कुमार किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है, देश दुनिया में उनके किए गए कार्यों की प्रशंसा होती है। नीतीश कुमार थोड़े अलग नेता हैं भी, उनकी विचारधारा थोड़ी अलग है और उन्होंने बिहार में काम किया है, इस बात से कहाँ कोई गुरेज है। बिल्कुल उन्होंने किया है, सड़क बिजली पानी, जब कोसी त्रासदी आई थी अभी भी देखिए कम्युनिटी किचन चल रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट नीतीश कुमार ने कहा था कि हम अब जो है सो घर घर अगर बिजली नहीं पहुंचेगी तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। घर घर पहुंच गई, घर पहुंच गई। अब आप देखिए कि इतनी बात तो नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। सड़क का जाल, अब पटना कह रहे हैं कि 4 घंटा में ही आ जाना चाहिए किसी भी कोने से। अब देख लीजिए कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा, पटना में एम्स, दरभंगा में एम्स, मेट्रो चलने वाला है, मेट्रो का काम तेज गति से हो रहा है। तो यह सब देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बिहार में तो बदला है, इसको कोई माने नहीं, बात से आप इत्तेफाक रखें ना रखें, तभी तो सुशासन बाबू कहे जाते हैं। लेकिन काम तो उन्होंने किया है, बिहार में बदला है, बहुत बदला है। देखिए अब जब बिहार के बदलने की बात हो रही है तो अब कह सके बिहार के एनवायरनमेंट को, बिहार के कल्चर को तो हम नहीं बदलेंगे क्योंकि बिहार का कल्चर हमारे लिए गौरवशाली है, हमारे लिए अनमोल है, लेकिन बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और कल रैली होनी है पटना में, कल गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल जयंती है, उसी दिन पटना के वेटनरी मैदान में प्रशांत किशोर रैली करेंगे, कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, उसकी तैयारी बड़ी है। देखिए एक बात समझने वाली है, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का स्थापना किया था और इसी 2 तारीख को फिर महात्मा गांधी के उस अवसर पर जो है तो मैं 2 तारीख को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान से वह हुंकार भरेंगे। तो जब हुंकार भरेंगे अपनी पार्टी का सारा कुछ, संविधान से लेकर के सब कुछ वह बताएंगे, पार्टी की लॉन्चिंग होगी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो रहे हैं ये भी देखना होगा, सारी बात बताएंगे, कहा जा रहा है कि कोई पूर्व आईएएस है। अब जो व्यवस्था वहां पर दिखाई पड़ रही है उस वेटनरी कॉलेज, जो तैयारी लग में कई लोग लगे हुए हैं, कितने सारे कारीगर लगे हुए हैं वहां पर, जो मंच बन रहा है, मंच भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मंच है, वो 4500 लोग बैठे मंच पर। हाँ, मंच पर बैठेंगे मतलब नेता, जो बड़े बढ़िया कार्यकर्ता है जिन्होंने जिलों में मजबूत किया है, उन सभी के लिए 2-3 मंच बनाए गए हैं, उनको जगह दिया जाएगा। बिल्कुल, तो वो और देखिए वह एक बात जो उसमें दिखाई पड़ रहा है, वह सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे, वह व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। व्यवस्था बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदले। देखिए सरकार तो आनी और जानी लगी रहती है, कोई भी सरकार सरकार तो रहेगी ही रहेगी, भले वह सरकार कभी भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे या किसी अन्य की रहे, लेकिन सरकार तो रहती है हर राज्य में, हर देश में। तो वो व्यवस्था बदलेंगे, किस व्यवस्था, व्यवस्था बदलने से ही सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और वो कह रहे हैं कि पहले बिहार क्या हुआ करता था, देश और दुनिया में बिहार का डंका बजता था, बिहार में क्या है, ज्ञान की धरती रही है। तो वो ज्ञान की बिहार वो धरती जहां भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई। बिल्कुल, तो वो उसी मिजाज और उसी से वह सबको बता रहे हैं कि हमको व्यवस्था बदलनी है और इसमें ऐसे में व्यवस्था कौन बदलेगा, यही के लोग बदलेंगे, यही के आम आवाम बदलेंगे। तो वो ऐसी परिस्थिति में सबको जोड़ करके चलने की बात वो कर रहे हैं, जोड़ के चलने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का क्या आइडियोलॉजी है वो तो खैर कल ही पता चल पाएगा, आइडियोलॉजी तो खैर उन्होंने कई बार बताई है, लेकिन उनका क्या एक कह सके बिहार को लेकर बदलने वाली जो बात है, जो उनकी इच्छा है, जो उनका मोटो है, उनकी पार्टी क्या होगी, तमाम बातों पर से कल पर्दा उठेगा, तैयार रहिए।
कई सारी खबरें जो है आपका इंतजार कर रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो हर खबर बताई है जो अब तक पहुंची जरूरी है। बाकी खबरों के लिए भी लाइव स्ट्रीम साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।